ये जो सीटें आ रही है सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं और अगर आप आंकड़े देख रहे हैं और उनमें 100, 200, 400, 500 जो भी देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, सब मिथ्या है, क्योंकि काउंटिंग सेंटर से सीधा हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर और कार्यालय को पूरे तरीके से सजा दिया है। यहाँ पर सीटों पर पूरी बीजेपी काला कमान चाहता था कि दो सीटों पर कहीं मुश्किल आ रही है और इन दो सीटों पर मेहनत भी हुई है बहुत ज्यादा और मुझे लगता है काला कमान को मालूम है हो सकता है जो फाइनल रिजल्ट आए वो हजार आय सकता है। लेकिन लेकिन पूर्वांचल की सीटों को नुकसान हो रहा है बीजेपी को। 17 में भी 8 में से 8 वाराणसी में थी, 10 का नुकसान हो रहा है। इस बार रिपीट होगा, आप कह रहे हैं अंत आपके हाथ में, लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे प्रीति बता रहे हैं आप पूर्वांचल में अभी 11 सीटों के 10 सीटों तो माइनस में चल रही है बीजेपी। तो अक्सर जैसा कहा गया कि 325 से आप कहीं ना कहीं तो नीचे उनको लेकर जाएंगे, लेकिन हमें देखना उस तरफ है। कांग्रेस के संपूर्णानंद और एनडी तिवारी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये इतिहास है। समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ेगा इसमें को मुझे कोई मैं रोक रहा हूँ आपको। रवि हमें बुला रहे हैं, रवि क्या हुआ? किशोर यूपी से टोटल 101 उठान आ चुके हैं और बीजेपी 6237 और ये उत्तराखंड में बहुत ज्यादा लगता है।